हाय गाइस, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट कबीर। बात करते हैं बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 की। जनाब उर्फ जावेद ने बिग बॉस ओटीटी 2 के इन 3 कंटेस्टेंट पर बरसवाया प्यार, तो इस खिलाड़ी पर जमकर निकाली है भड़ा। जनाब बिग बॉस ओटीटी अब फिनाले से केवल 12 दिन दूर है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि उनका फेवरेट कंटेस्टेंट रियलिटी शो की ट्रॉफी अपने नाम करे। वही उर्फ जावेद भी अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के सपोर्ट में आ चुकी हैं। उर्फ जावेद ने बिंदास स्टाइल में सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर अपने फेवरेट बिग बॉस ओटीटी 2 खिलाड़ी की तारीफों के पुल बांध दिए हैं। साथ ही उर्फी जिन्हें पसंद नहीं करती हैं उन पर जमकर भड़ास भी निकाली है जनाब। उर्फी जावेद ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो ब्लैक कलर की ड्रेस में नजर आ रही हैं। उर्फी वीडियो में कहती हुई दिख रही है, इस वीकेंड के बाद देखकर साफ हो गया है कि मामला अब बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। फिर उर्फी कहती है, जिया को इस हफ्ते बाहर हो जाना चाहिए क्योंकि उसने गंद मजा कर रखा है, मुझे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बहुत ही इक्वल है, और बाकी लोगों को भी धक्के मारकर बाहर निकाल देना चाहिए क्योंकि वह ऐसे ही घर के अंदर आ गए हैं। उर्फी जावेद फिर वीडियो में अपने फेवरेट कंटेस्टेंट के बारे में बताती है। उर्फी कहती है, टॉप 3 मैं जिसे देखती हूँ वो है बिहार की रानी मनीषा रानी, बहुत ही बिंदास है, जो बोलती है दिल से बोलती है साफ। दूसरा अभिषेक मलहान यानी कि फुकरा इंसान, उसने पूजा भट्ट जैसी एक्ट्रेस को जो अपने कैरियर फिर से शुरू करने के लिए बिग बॉस ओटीटी 2 में आई है उसको सुना दिया है। जो पूजा भट्ट को सुना सकता है वह कुछ भी कर सकता है। फिर मनीषा रानी के बाद टॉप 3 में उन्होंने बेबिका ध्रुवे का भी नाम बताया है जनाब। तो कहीं ना कहीं उर्फी जावेद ने बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के 3 कंटेस्टेंट को बताया कि ये टॉप 3 में हो सकते हैं। साथ ही जिया शंकर पर और पूजा भट्ट पर भी भड़ास निकाल दी है। तो आपकी क्या है राय कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा जनाब। जय हिंद, जय भारत।